Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today we are going to start a brand new series on one of the most powerful tools for managing server side state in our React application.

एंड साथ ही साथ वेदर यू आर बिल्डिंग स्मॉल रिएक्ट एप्लीकेशन और अ लार्ज रिएक्ट एप्लीकेशन बिलीव में आपका जो टेंट स्टैक क्वेरी है आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देगा बाई सिंप्लीफाई द वे यू हैंडल डेटा फैचिंग कैसिंग म्यूटेशन पेजिनेशंस एंड और भी बहुत कुछ जी गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज फाइनली कुछ नया स्टैक टेंट स्टैक तो सुना था बट नाउ वी हैव अ बट स्टैक क्वेरी का सीरीज आ चुका है तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट टेंस स्टैक क्वेरी क्या है व्हाट आर द एडवांटेजेस डेफिनेशंस यूज केसेस देखेंगे ओवर रिडक्स ओवर रिएक्ट समझ रहे हो तो बहुत मजा आने वाला तो वीडियो का तक जरूर देखिएगा एंड गाइस आज इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ फाइव थाउजेंड लाइक्स एंड हमारा चैनल का टारगेट है वन मिलियन सब्सक्राइबर्स सो so प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड इससे पहले मेरा जो कंप्लीट रिएक्ट वर्जन नाइनटीन का सीरीज है वो तो हम कंप्लीट कर चुके तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा ऑल अर गाइस तो अब हम बिना किसी देरी के अपने स्क्रीन पे चलते हैं ऑल आर गाइस तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड मैं आपको बता चुका हूँ टेंस है क्वेरी एंड रिएक्ट क्वेरी बहुत आर सेम तो अब हम इसको एकदम डीप डाइव करते हैं एंड सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन जहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये एक क्या है गाइस आप देख सकते हो इट्स अ लाइब्रेरी दैट हेल्प्स यू मैनेज द स्टेट ऑफ डेटा यू फैच फ्रॉम दिस सर्वर जैसे कि हम ए पी डेटा को फैच करते हैं इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन मैं कहीं अगर इसको एकदम सिंपल भाषा में बोलूं जब भी आप कोई भी डेटा फेच करते हो फ्रॉम योर सर्वर तो उसको हैंडल एंड वो जो स्टेट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए आपका ये जो रिएक्ट क्वेरी है वो काम में आता है एंड हमारा स्टार्टिंग का लाइन इफ यू रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट आई मीन एक मोस्ट पावरफुल टूल्स है फॉर मैनेजिंग सर्वर साइड स्टेट इन रिएक्ट तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है सर्वर साइड स्टेट इन रिएक्ट इसको आपको ध्यान में रखना है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है आपका रिएक्ट क्वेरी करता है आई नो आई नो अब आपके माइंड में डाउट आ रहा है बट उसको मैं एकदम क्लियर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस परफेक्ट एनिमेशन ठीक है सो नाउ गाइस लेट्स इमेजिन दिस इज यू ये आप है ठीक है लड़का लड़की जो भी हो आप समझ लीजिए सो so, अब हमें क्या करना है लेट्स इमेजिन हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं एंड वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स के जो डेटा हमें मिल रहा है वो एक ए के थ्रू मिल रहा है ठीक है तो हम क्या करते हैं गाइस ना वो जो ए है एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी हमारे रिएक्ट की मदद से ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर चुका हूँ बहुत औसम awesome है प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड उस समय मैंने एक ए क्रिएट किया था ठीक है जिसको मैंने सर्वर पर होश करके रखा हुआ है सो अब मैं क्या करने वाला हूँ फिर से बेसिकली ये आप हो एंड आपको अब आप उस ए की नीड है अब आप, आप अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो बाई यूजिंग माई ए तो आप उस ए को रिक्वेस्ट करोगे एंड दिस इज द एक्चुअल ए पी आई मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो आप ये ए को हिट कर रहे हो ठीक है कोई भी ब्राउजर में जाके तो वो रिक्वेस्ट क्या कहाँ जाएगा आपको पास जाएगा सर्वर में सो दिस इज योर एस रिक्वेस्ट जो सर्वर के पास जाता है नाउ सर्वर क्या करता है चेक करता है क्या ये जो ए का रिक्वेस्ट किया जा रहा है ये वैलिड ए इसके अंदर है या नहीं डेटा है या नहीं तो उसने देखा अरे यार हाँ इसमें तो रेस्पॉन्स है तो हमें रेस्पॉन्स दे दिया उसने अब जो रेस्पॉन्स हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आपको मिलता है जहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको बताऊँ तो ये एक्चुअल डेटा है जो गाइस हम अभी भी लाइव चल चला रहे हैं इसको ठीक है तो ये है गाइस आपका एक्चुअल डेटा जो आपको मिलता है आपके सिस्टम पे जब आप रिएक्ट के एप्लीकेशन की मदद से भी इसको कॉल करते हो सो so, यहाँ तक तो आप समझ गए राइट इट्स ईजी एंड ये जो ए पी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इस इसमें आप देख सकते हो तो टोटल 63 थ्री वीडियोज़ है इसमें मैंने उस ए का यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको एक काम करके बताता हूँ यहाँ पे उस ए को अगर मैं हिट करता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये वही ए है जिस मैंने वहाँ पे हिट की एंड दिस आर द डेटा ये बेसिकली जेसन डेटा है जो मुझे मिल रहा है परफेक्ट राइट right? ये काम कर रहा है ठीक है अब आई नो गाइस अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है एंड दैट इज़ ये जो रिएक्ट क्वेरी है ये जो टेंसटैग क्वेरी है ये तो मैं अपने चैनल पे आज पहली बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो क्या इससे पहले ये जो डेटा था ये डेटा कभी मैंने फेच नहीं की रिएक्ट में बताओ कभी किया या नहीं किया ऑब्वियसली हमने किया एंड वो डेटा को फेच करने के लिए आप या तो Axios यूज़ करते थे या तो फेच ए जो हमें मिलता था राइट right, वो हमने किया बट लेट्स वो तो एक ए पी आई था वो तो वो तो लगेगा ही लगेगा लेकिन उसके साथ फिर उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे यूज स्टेट यू नो एंड वो डेटा हमें हर बार मिलते रहे जब भी पेज लोड हो तो हम यूज़ इफेक्ट भी यूज़ करते थे एंड फॉर ग्लोबल स्टेट हम कॉन्टेक्स्ट ए पी आई का भी यूज़ करते थे तो हमारे पास जब ऑलरेडी यू नो लाइक वी हैव यूज स्टेट यूज इफेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ए पी आई है टू मैनेज आवर सर्वर साइड स्टेट तो हम रिएक्ट क्वेरी को क्यों यूज़ करें ऑब्वियस राइट सो आई होप अब आपको पता चल गया द मोटिव बिहाइंड टेंस टैग क्वेरी बस टेंसटैग क्वेरी का, का काम क्या है इसको रिप्लेस करूँ यहाँ पर जो लॉर्ड्स ऑफ मैनुअल वर्क है सिंपल एक डेटा को फैच करने में देन कैश करने में म्यूटेशन बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर रिएक्ट क्वेरी न्यूं? ऐसे चुटकी में कर देगा ठीक है सो आई होप आपको पता चल गया होगा सो रिएक्ट क्वेरी का काम क्या है जब भी कोई भी डेटा आप फैच करते हो सर्वर से तो उसको हैंडल एंड उसको मैनेज करने का काम रिएक्ट क्वेरी का है एंड सेम वही काम हम पहले भी करते थे रिडक्स में भी आप वो काम कर सकते हो तो ये सारे एक मल्टीपल अल्टरनेटिवस है जिसमें से रिएक्ट क्वेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी या टूल्स आप जिसे कह सकते हो सो आई होप इतना तो आपको पता चल गया होगा ठीक है कि टेंस टैक का क्या काम है नाउ लेट सी सम एडवांटेजेस ऑफ टेंस टैक क्वेरी एंड सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला ही इसका क्या है डेटा फैचिंग मेड ईजी जो डेटा फैच हम करते थे पहले विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट यूज इफेक्ट या कॉन्टेक्स्ट स्टेपिया या अलग अलग तरीके से इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन अब जब मैं आपको रिएक्ट क्वेरी की मदद से दिखाऊंगा यू विल सरप्राइज्ड वो माई गॉड इतना ईजी सो so, ये फायदा है पहला एडवांटेज सेकेंड वी हैव अ बिल्ट इन लोडिंग एंड एर स्टेट जी हाँ गाइस अगर आपको याद हो मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा पुराना तरीका क्या था जो कि अभी भी लोग यूज़ करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो थोड़े एडवांस है उनको पता है यार जब ये चीज़ ऑलरेडी है हमारे पास तो इसका हम यूज़ करेंगे तो पहले लोडिंग स्टेट के लिए याद है हमें अपना वो सेट इज लोडिंग इज लोडिंग सेट इज एरर हम अलग अलग यूज स्टेट यूज करते थे बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना सब बिल्ट इन है अपने आप मिल जाएगा आपको कोई स्टेट लेने आपको यूज स्टेट यूज इफेक्ट किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी आपका काम कर देगा देन वी हैव दिस ऑटोमेटिक कैसिंग इसका बेस्ट पार्ट एक ही गाइस लाइक यहाँ पे मैनुअल कुछ नहीं करना द मोमेंट आप रिएक्ट क्वेरी में डेटा फैक्स करोगे ऑटोमेटिक वो कैश हो जाएगा कैश पे आपका वो डेटा स्टोर हो जाएगा कभी भी रिक्वेस्ट करना है डेटा आपको वहाँ से मिलेगा इंस्टॉफ़ हिटिंग द रिक्वेस्ट एवरी टाइम टू आवर सर्व ठीक है देन आप देख सकते हो वी हैव दिस बैकग्राउंड रिफैचिंग ये बेसिकली पोलिंग के अंदर भी ये आता है जहाँ पे लट से आप आजकल अगर इन्वेस्टमेंट करते हो सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ एंजल वन ब्रोकर या ग्रो ऐप या जीरो द ये क्या होता है गैस यहाँ पे स्टॉक का कभी डेटा देखना विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड अपडेट होता रहता है अपडेट होता रहता है तो मतलब वो रिक्वेस्ट हिट हो रहा है विद इन अ मिली सेकेंड बार बार तो वो कैसे हो रहा है तो गाइस वो बहुत इजीली जस्ट यहाँ पे एक दो लाइन का हमें एक दो वर्ल्ड यूज करना है एंड वो हमारा काम हो जाएगा बैकग्राउंड रिफ्रेचिंग देन आप में से बहुतों ने देखा है इवन हमारा ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट था सर पेजिनेसन बताइए या जो इन्फिनिट स्क्रोल होता है जैसे छः प्रोडक्ट दिख गए मैं फिर थोड़ा सा ऊपर आई मीन नीचे करो तो और ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है तो इधर पेजिनेसन या तो इन्फिनिट स्क्रोल तो वो सारे चीज़ों बहुत ईजिली आप रिएक्ट क्वेरी में क्रिएट कर सकते हो सो दिस इज़ दी एडवांटेज ऑफ योर यूर स्टैक क्वेरी एंड इसका मेन मोटिव क्या है आई होप आपको पता चल गया होगा ऐसा नहीं है कि रिएक्ट क्वेरी जो काम कर रहा है वो पहले आप नहीं कर सकते थे पहले भी आप कर सकते थे अभी भी आप कर सकते हो इट जस्ट जहां पहले लॉट्स ऑफ लाइन ऑफ कोड या मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता था वहां पर ना यू कैन से लाइक फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वो जो मैनुअल uh, वर्क है या वो जो लाइन्स ऑफ कोड है वो अब आपका कम हो जाएगा एंड इट ऑल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा पावर्स सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपकी लाइफ को और इजी कर देगा ठीक है तो मैं अगर आपको फाइनल वर्डिक बताना चाहूं तो क्या लाइक सिंपल यही है कि टेंटेक वेरी मेक्स वर्किंग विथ सर्वर साइड डेटा इन रिएक्ट ब्रीज़ एकदम प्यार से इट्स फास्ट ये एफिशिएंट है एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड यू नीड टू राइट इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी एपडेट रिलाइज ऑन ए डेटा दिस इज द टूल एंड एब्सोल्यूट गेम चेंज अप या दिस इज इट सो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा फाइनली सबसे पहले तो टेंटेक आपका एक रिएक्ट क्वेरी ही है ठीक है आप इसको मंथस टैक क्वेरी से कंपेयर मत करना क्योंकि दोनों काइंड kind ऑफ of सुनने में वो oh गया अब तो पहले तो मंथ था बट ऐसा कुछ भी नहीं है ये आपका फ्रंट एंड में ही काम कर रहा है सर्वर साइड डेटा को मैनेज करने के लिए ठीक है सो या गाइस दिस इज इट वीडियो के लिए इतना ही प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वन मिलियन हमारा लाइक टारगेट है एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना मिलता हूं अब आपको कल की वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर